नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी पर तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, साथ ही एक जवान शहीद हो गया है। वहीं आतंकी के पास से एक AK राइफल, 3 AK मैगजीन, 200 AK राउंड, 3 पिस्टल, वहीं 4 पिस्टल मैगजीन और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन फिलहाल जारी है। नवगठित शिंदे सरकार को लेकर पूर्व मंत्री अशोक चव्हाण का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि नवगठित शिंदे सरकार ने पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार DPDC के माध्यम से लिए गए निर्णय को स्थगित कर दिया है। मुझे उनसे एक छवि की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान मैं उतना या अधिक काम करने में सक्षम था जितना मैं मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धन्यवाद देता हूं। दिवसामध्ये ज्या बातम्या किंवा किंबहुना शासनाचे निर्णय जे निर्गमित होत आहे, त्या निर्णयामध्ये राज्यातील बरेच विकासाच्या कामासंदर्भामध्ये स्थगिती देण्याचा आरंभ झालेला आहे। त्यामुळे मला वाटते की या सरकारची ख्याती ही स्थगिती सरकार असं होऊ नये सांगितलं पाहिजे। म्हणजे जी कामं आणि मला आनंद या गोष्टीचा आहे की माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळामध्ये कदाचित जेवढी कामं मला झाली नसतील त्याच्यापेक्षाही जास्त कामं। महाराष्ट्र में शिवसेना का किला ढहता नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुकी है, जहां शिवसेना के हाथ से एक बार कर नगर निगम और नगर पालिकाएं भी जाने लगी हैं। दरअसल कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना के 55 कॉरपोरेटरों ने एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दिया है। खास बात यह है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अध्यक्ष राजेश मूरे भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को उद्धव ठाकरे के गुट से लगाई गई उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे के CM बनने को चुनौती दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले नवी मुंबई में शिवसेना के 32 कॉरपोरेटरों ने एकनाथ शिंदे से मिलकर अपना समर्थन दिया था। वहीं गुरुवार को थाने नगर निगम में शिवसेना के 67वें कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। वहीं 9 नगर निगमों से 3 पर शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में बीते दिन से कोरोना के मामलों में मामूली कमी देखी जा रही है। वहीं बीते दिन कोरोना के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं पिछले दिन की तुलना में 500 कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 15,000 लोग संक्रमण से ठीक हुए। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,900 हो गई है। साथ ही बीते कुछ दिन के मुकाबले नए केस में 10% का इजाफा हुआ है। वहीं केरल में नए मामलों में 11% की कमी आने के बावजूद यहां देश भर में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं नए संक्रमितों के मामले में भी केरल पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार गृह ग्राम जैत में मतदान किया। पहले उनके छोटे बेटे पत्नी साधना सिंह, फिर बड़े बड़े ने वोट डाला। इसके बाद CM ने मतदान किया। बता दें कि ग्राम जैत की पंचायत समरस पंचायत है। इस पंचायत के सभी पंच और सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं ग्राम जैत से बुधनी जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य का निर्वाचन भी निर्विरोध हुआ है। अभी ग्राम सरकार के चुनाव हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे गांव जैत में भी मेरी अपील मानते हुए
जनता जनार्दन ने अपने सरपंच और सारे पंचों को निर्विरोध चुना है। समरस पंचायत है ये। जनपद सदस्य का चुनाव भी निर्विरोध हुआ है। केवल जिला पंचायत के सदस्य के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घंटाघर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए कटनी नगर निगम को पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। साथ ही कहा कि कमलनाथ ने 15 महीनों में एक गिट्टी का टुकड़ा तक नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी आपके शहर को महानगर विकसित शहर बना देंगे, आज वादा करता हूं। ये संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। ये संकल्प पत्र ये बनाया इस टीम ने, लेकिन इसको पूरा करवाने के लिए हर व्यवस्था करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कटनी पहले कस्बा था, अब कस्बा से बन गया नगर, और नगर से बनेंगे बनाएंगे महानगर। अध्यक्ष जी ने कह दिया है क्लीन कटनी, ग्रीन कटनी, हाईटेक सिटी कटनी, स्मार्ट सिटी कटनी, औद्योगिक सिटी कटनी, एजुकेशन हब कटनी। कटनी को ऐसा बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, लोग देखते रह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2022 वितरण कार्यक्रम में छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं 12वीं बोर्ड में प्रदेश के टॉपर रायगढ़ की छात्रा कुंती साव और आदर्श ग्राम में भारतीय स्कूल पुसौर को 1-1 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया। बताने की कार्यक्रम के तहत बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की पहल की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का वातावरण बेहतर बना। मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार की तरफ से फिर से रुस्तम जी पुरस्कार की शुरुआत होने जा रही है। वहीं इस बात की पुष्टि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है। गृह मंत्री ने बताया कि इस अवार्ड को 2 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत फिर से की जा रही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस बार ये अवार्ड नक्सल विरोधी, आतंकवादी विरोधी, सांप्रदायिक दंगा और कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। साथ ही कहा कि 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि वाले इस पुरस्कार को 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। रुस्तम जी पुरस्कार चालू कर दिए जाने का तय किया है। इसमें 61 पुलिसकर्मी अभी हमारे हैं और उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। 5 लाख रुपए के पुरस्कार से लेकर 50,000 रुपए के तक के पुरस्कार 3 श्रेणियों में, परम विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी और विशिष्ट श्रेणी और प्रमाण पत्र, ये अब पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट किया है, जिसमें सूर्यकांत तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की फोटो है, जिस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा वीडियो जारी करते हुए कि सूर्यकांत तिवारी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमसे मिलने आए थे, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट करे कि सूर्यकांत तिवारी के साथ कांग्रेस की क्या रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी कहते हैं कि सूर्यकांत तिवारी के साथ हम नेताओं के फोटो हैं, स्वाभाविक है जनप्रतिनिधि हमसे मिलने आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि सूर्यकांत तिवारी से उनके क्या रिश्ते हैं। उनके साथ जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी, जिसके अंदर जो कागजात पकड़ा है, वो किससे ताल्लुकात रखते हैं। हमारे फोटो जारी करने से सच्चाई छुप नहीं सकती।
बटियागढ़ ब्लॉक के 181 मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में सुबह से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं बटियागढ़ ब्लॉक के मतदान में भारी भीड़ दिखाई दी। मतदान करने के लिए लोग इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो प्रशासन ने यहां पुख्ता प्रबंध किए। लगातार पुलिस व्यवस्था चौकस नजर आई। वहीं मतदान दल में तैनात ड्यूटी पर अधिकारी मतदान के लिए प्रयासरत रहे। सीहोर के आष्टा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जनपद में पंच सरपंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आयोग के अनुसार जारी कार्यक्रम में मतदान का समय सुबह 3 बजे तक निर्धारित किया गया है, माफ कीजिएगा दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया। वहीं मतदान बैलेट पेपर से किए गए। पवई में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होने जा रहा है, जिसे लेकर समस्त राजनीतिक पार्टियां और दल के प्रचार प्रसार जोरों पर हैं। जहां लगातार जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने जा रहे हैं। इसी कड़ी में पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनता का आशीर्वाद लिया और वोट मांगे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत आ गई है, जिसका समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले खरीफ सत्र में 1 जुलाई के पहले जितना खाद किसानों को दिया गया था उससे 1.25 लाख टन अधिक खाद बिक्री किया जा चुका है और हमारा जो सप्लाई प्लान है केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किया है उसकी लगभग खाद की पूर्ति है 70 से 75% हो पा रहा है। 1 जुलाई के पहले जितना खाद किसानों को दिया गया था उससे 1.25 लाख टन अधिक खाद अभी वितरित किया जा चुका है, नंबर एक। नंबर दूसरा, हमारा जो सप्लाई प्लान है केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के रिक्वायरमेंट के आधार पर स्वीकृत किया है उसकी लगभग जो खाद की पूर्ति है वो 70 से 75% ही हो पा रही है, इसलिए कमी होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी का सौंदर्य बारिश से सुहाना हो गया है। पिछले 3 दिनों में पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। वहीं इन दिनों पचमढ़ी प्राकृतिक रूप से सैलानियों की पहली पसंद है। प्राकृतिक पहाड़ों के बीच घने जंगलों में अप्सरा विहार, बी फॉल, डजेच फॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं खूबसूरत नजारा देखने के लिए पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं लगातार सैलानियों की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है। खबर नागदा से है, जहां लोकायुक्त ने पटवारी को 7,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने फरियादी विश्व प्रताप सिंह के माता पिता के नाम से ग्राम बेड़शा में जमीन सीमांकन के नाम पर 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी और अपने निवास स्थान पर पैसा लेकर आने की बात कही थी। इस मामले की शिकायत लोकायुक्त अधीक्षक को 18 जून को मिली, जिसे उन्होंने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा। पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत के द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर सत्यापन मुझे निरीक्षक वसंत श्रीवास्तव द्वारा किया गया था, जिसपे 3,500-3,500 दोनों सीमांकन के उन्होंने पृथक पृथक मांगे थे। कुल 7,000 रुपये लेके आज 7 तारीख को उन्होंने उनके द्वारा अपने निजी कार्यालय आवास में उन्होंने नागदा में बुलाया था। ये लड़का भी आया मेरे को पैसे दिए कि हम साहब आपको सेवा नहीं दी रही है बस जमा करने के लिए 3,500-3,500 रुपये की रिश्वत। किसने मांगी थी रिश्वत? हाँ
भाजपा नेत्री उमा भारती ने भोपाल में किए जाने वाले शराब दुकानों के विरोध की आग अब इंदौर तक पहुंच चुकी है। बता दें कि ताजा मामला बाणगंगा के कुशवा नगर इलाके का है, जहां बीती रात बड़ी संख्या में लाठियों से लैस महिलाओं ने शराब दुकान पर हल्ला बोल दिया। वहीं महिलाओं ने शराब दुकान के सामने जमकर नारेबाजी की और दुकान का शटर बंद करवा दिया। इस हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला गैंग को समझाइश देकर मामले को शांत करवाया। अंतरराज्यीय चैन स्नेचर सर्वेश द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने थाना पंडरी, देवेंद्र नगर और टिकरापारा क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी सर्वेश द्विवेदी रीवा का रहने वाला है। आरोपी सर्वेश द्विवेदी ने चैन स्नैचिंग की दो घटनाओं को अकेले ही अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र और कुछ जेवर छीन लिए थे। वहीं जिसकी शिकायत महिला ने थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के सोने के जेवर बरामद किए, साथ ही दोपहिया वाहन को भी बरामद किया। हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी अनिल गिरी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाशी में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तीनों घटनाओं में अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम पतासाजी में लगी हुई थी। इसमें एक संदेही के बारे में जानकारी मिली, सर्वेश द्विवेदी नाम के संदेही था, उससे पूछताछ किया गया। उसने पूछताछ में तीनों घटनाओं को करना कबूल किया है और उसके पास से संपत्ति जो लूटी हुई थी वो बरामद कर लिया गया है, 4 तोला सोना। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग और राजगढ़ जिले में भारी से अति भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। साथ ही छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले में भारी बारिश हो सकती है और ग्वालियर, चंबल, सागर और दमोह में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं भोपाल में सुबह से तेज बारिश हुई, इसके बाद से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं मध्य प्रदेश में मध्य में लो प्रेशर एरिया बनने से भारी बारिश जारी है। जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, जहां घरेलू एलपीजी की कीमतें बढ़ी। 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम 50 रुपए और 5 किलो वाले का 18 रुपए की वृद्धि हुई। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ये जनता के साथ अन्याय है, जनता के साथ अत्याचार है। जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से रसोई गैस में 250 की बढ़ोतरी हुई है। रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है, जनता के साथ विश्वासघात है, जनता के ऊपर अत्याचार है। जब से देश में मोदी सरकार आई है उसने रसोई गैस के दाम पे लगभग 250 गुना की बढ़ोतरी की है। पिछले 2 महीने के अंदर में रसोई गैस के दाम पे 150 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। जो रसोई गैस मोदी सरकार के पहले 400 रुपए में मिलती थी, मोदी सरकार के आने के बाद अब उसकी कीमत लगभग 1150 से 1150 रुपए हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं निजी होटल में होने वाली बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होने वाले हैं। बता दें कि इस आयोजन में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य भी हिस्सा लेंगे। बैठक लगभग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध, सामूहिक कार्यबल के गठन, वहीं सीमा पार ड्रग्स की तस्करी मामलों आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमकेएन न्यूज़। नमस्कार।